हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक भी है। इसको हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एम्स का अगर आप क्वेश्चन पेपर कोई उठा लो प्रीवियस ईयर का, अभी रिसेंटली एम्स इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग गया है, तो इसको हम इस टॉपिक को अब अच्छे से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स है, होते क्या हैं, अगर इसको मतलब जाने इनका, तो इसकी क्या है डिफाइन करना चाहे, तो ये एक तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग डिवाइस है। मीन्स कौन सा डिवाइस है? ब्रीदिंग डिवाइस है। आर्टिफिशियली अगर हमें ब्रीदिंग स्टार्ट करवाना हो पेशेंट का, तो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग डिवाइस। कुछ वेंटिलेटर्स क्या हैं जहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है और कुछ में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है, एक तरह की जो ब्रीदिंग डिवाइस की तरह ये एक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये किस पर्पज से है यूज़ होते हैं? टू मेंटेन दी वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और जो वेंटिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या है इनका यूज़ करते हैं फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हमें जो है ब्रीदिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो हम इसको किसको यूज़ कर सकते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। मीन्स जब पर्सन का, किसी भी पर्सन का, पेशेंट का जब खुद से अपना जो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन है वो नहीं कर पाता है, खुद से सेल्फ जो या फिर जो ब्रीदिंग है वो नहीं कर पाता है, उस टाइम क्या है उसको जो बाहर से सपोर्ट दिया जाता है। जो बाहर से कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? ब्रीदिंग डिवाइस कौन सी है? मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स के आपको मतलब पता चल गया क्या होते हैं। इसमें अब हम इसके जो इसका जो इंडिकेटर्स हैं उसको हम देख लेते हैं कि किस कंडीशंस में हम इन मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स फॉर मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या है? अगर फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम मान सकते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में, अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन हो पेशेंट के अंदर, तो हम वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर को यूज़ करेंगे। दूसरा है प्रोफिलैक्टिक वेंटिलेशन, प्रोफिलैक्टिक वेंटिलेटरी सपोर्ट, वेंटिलेटरी सपोर्ट, ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। और थर्ड है हमारा हाइपरवेंटिलेशन थेरेपी, हाइपरवेंटिलेशन थेरेपी। तो ये हम तीन हेडिंग बना सकते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर हम क्या है मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर अगर पेशेंट में, क्लाइंट में देखने को मिलता है, जैसे सीओपीडी का पेशेंट है या फिर किसी और लंग डिजीज़ के कारण अगर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, तो वहाँ पर हम वेंटिलेटर को यूज़ करेंगे। सेकेंड है प्रोफिलैक्टिक वेंटिलेटरी सपोर्ट, अगर कोई पेशेंट किस तरह की कंडीशन है कि जो भी फिजिशियन उसको लगता है कि इन फ्यूचर में उस क्लाइंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई हेड इंजरी है या फिर हार्ट की कोई इंजरी है, हार्ट मसल की इंजरी है, शॉक की कंडीशन है, तो उस केस में तो क्या है फिजिशियन को पहले से क्या प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट वहाँ पर दे सकता है इन एडवांस, अगर उसको फिजिशियन को लगता है कि फ्यूचर में जो पेशेंट की जो सिचुएशन है, उसकी कंडीशन है और क्रिटिकल हो सकती है, उस चीज़ से बचने के लिए वो उसको प्रोफिलैक्टिक वे में वेंटिलेटर का यूज़ कर सकता है। थर्ड है हाइपरवेंटिलेशन थेरेपी देने के लिए, हाइपरवेंटिलेशन थेरेपी, जैसे कोई ब्रेन इंजरी है, ब्रेन इंजरी अगर हम इसमें एग्जाम्पल हेड इंजरी ली है, हेड इंजरी के केस में हम क्या करेंगे जो हाइपरवेंटिलेशन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। हाइपरवेंटिलेशन थेरेपी में क्या होता है, जब हाइपरवेंटिलेशन होता है तो उस टाइम हम
एक्सहेल ज़्यादा करते हैं और इनहेल कम करते हैं। एक्सहेल ज़्यादा करेंगे तो बॉडी में क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो लेस होगा इन कंपैरिजन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इस कंडीशन को हमें क्रिएट करते हैं हाइपर वेंटिलेशन थेरेपी, क्यों क्रिएट करते हैं, हेड इंजरी की केस में, क्योंकि वहाँ पे हम जो फिजिशियन होता है उसके ये कोशिश रहती है कि जो हेड सेरेब्रल टिश्यू को, सेरेब्रल टिश्यू तक जो ब्लड का जो लेवल है, ब्लड फ्लो कम हो, ताकि अगर सेरेब्रल टिश्यूज़ में ब्लड फ्लो कम होगा तो उससे क्या होगा, जो मीन्स ICP जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है वो भी कम होगा। तो ये चीज़ कंडीशन कब अराइज होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होगा तो जो भी आर्ट्रियोल्स हैं वहाँ पे, आर्ट्रियोल्स में वैसो कंस्ट्रक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। वैसो कंस्ट्रक्शन होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा सेरेब्रल टिश्यू के अंदर, और ब्लड सेरेब्रल टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, जो ICP कम होगा और हम जो हेड इंजरी का जो केस है उसको क्या है, हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो उसमें हम हाइपर वेंटिलेशन थेरेपी को प्रोवाइड करने के लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो हमारी मेन कंडीशन है जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे शॉक हो गया, मैंने कंडीशन अगर हम नॉर्मली बात करें तो शॉक है, COPD का क्लाइंट है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट है, केस है, सीवियर हेड इंजरी है, इन सभी चीज़ों में हम वेंटिलेटर्स का यूज़ करते हैं। अपनिया की कंडीशन है, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो गई हो तो उस केस में भी, कोमा है तो वहाँ पे भी हम मैकेनिकल वेंटिलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप से पहले हम क्राइटेरिया है, एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं कि अगर फिजिशियन कब डिसाइड करता है कि अब इस क्लाइंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। कंडीशंस हमने देख ली, एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है जो वेंटिलेटर्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे एक हम टेबल बनाते हैं क्राइटेरिया। सबसे पहले हम इधर पैरामीटर्स लिखते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, फिर इसके बाद जो इंडिकेटर्स, इंडिकेटिंग वैल्यूज, या फिर पेशेंट की जो वैल्यू है, पेशेंट वैल्यू। पैरामीटर्स में ए, अगर हम क्लाइंट का हमने पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट किया हो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो PFT में हम क्या है, अगर रेस्पिरेशन रेट देखा हो, रेस्पिरेशन रेट, अगर रेस्पिरेशन रेट है जो क्लाइंट का वो मोर देन 35 है तो भी वो इंडिकेट करता है कि मैकेनिकल वेंटिलेटर की सपोर्ट है। रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 35 है, और जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम ML पर केजी बॉडी वेट, वो अगर लेस देन, और जो वाइटल कैपेसिटी ये भी हम ML पर केजी बॉडी वेट अगर हम देखें तो लेस देन 15 है। सबसे पहले रेस्पिरेशन रेट, दूसरा टाइडल वॉल्यूम, थर्ड वाइटल कैपेसिटी, एक और होता है इसमें इंस्पिरेटरी मैक्सिमम इंस्पिरेटरी फोर्स, जो मैक्सिमम इंस्पिरेटरी फोर्स है वो सेंटीमीटर ऑफ वाटर हम देखेंगे, सेंटीमीटर H2O, ये अगर कितना हो हमारा, लेस देन 20 हो तो हम क्या है, फिजिशियन एस्टिमेट कर सकता है कि जो उस पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी जो रेट है वो मोर देन 35 है, टाइडल वॉल्यूम लेस देन 5 है, वाइटल कैपेसिटी लेस देन 15 है, ये पर ML की बात की है, पर ML पर केजी बॉडी वेट, और वाइटल कैपेसिटी भी पर ML पर केजी बॉडी वेट, और जो मैक्सिमम इंस्पिरेटरी फोर्स है सेंटीमीटर H2O में लिया है वो हमने लेस देन 20। ये सारी कंडीशन देख के जो क्लाइंट है, जो फिजिशियन है, वो एस्टिमेट कर सकता है क्लाइंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर ये तो हमारी किसकी बात हुई, पल्मोनरी
फंक्शनल टेस्ट, फंक्शन टेस्ट के दूसरा एबीजी वैल्यूज़ भी हम देखते हैं। एबीजी वैल्यूज़, एबीजी वैल्यूज़ की कंडीशन में अगर देखें, जो पीएच है क्लाइंट की, पीएच अगर 7.35 से लेस देन है, लेस देन 7.35 यानी एसिडोसिस की जो कंडीशन है वहाँ पे। दूसरा, अगर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो हमारा कितना है, लेस देन 60, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो लेस देन 60 है, और CO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो मोर देन हमारा कितना हो, 50, मोर देन 50, तो इस कंडीशन में भी क्या है, पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हमने जो मेन क्राइटेरिया है वेंटिलेटर सपोर्ट की, किस टाइम जो क्लाइंट को चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए है, रेस्पिरेशन रेट है, टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, और जो इंस्पिरेटरी फोर्स है, और एबीजी वैल्यूज़ के लिए भी हमने कर ली। तो अभी तक हमने जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं, उसके क्या क्राइटेरिया हैं, उसकी बात कर ली। अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, उसकी बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर्स में, जैसे आप, मैंने डेफिनेशन में बताया कि जो वेंटिलेटर्स है, दो, एक तो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर को मेंटेन करता हो, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन होता हो। तो यहाँ पे इसी तरह से इसी जो इसका टाइप्स है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट जो टाइप है मैकेनिकल वेंटिलेटर्स का वो क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, और सेकेंड है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। फर्स्ट है हमारा इस तरफ, हम नेगेटिव लिख लेते हैं पहले, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स, और इधर हमारा है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव प्रेशर एग्जर्ट करते हैं एक्सटर्नल चेस्ट के ऊपर। ये प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स है, ये वेंटिलेटर्स क्या करेंगे, एक्सटर्नल चेस्ट के ऊपर नेगेटिव प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, नेगेटिव प्रेशर डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो दूसरा इसमें क्या होगा कि जो इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब जो वो पेशेंट इंस्पायर करेगा, इंस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जो इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो एयर है उसके लंग्स में एंटर करेगी, जिसकी वजह से कि वो जो वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो अकर होता है। तो इसमें इन वेंटिलेटर का फंक्शन क्या है कि जो एक्सटर्नल चेस्ट के ऊपर ये क्या है, नेगेटिव प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो क्या, डिक्रीज होगा, और जो बाहर से फिर क्या है, एयर एंटर करेगी, मीन्स एयर एंटर करेगी, उसके बाद जो है वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है। मीन्स जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जैसे जो वेंटिलेशन होती है उसकी तरह होता है। स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन मीन्स जैसे नॉर्मल जो क्लाइंट ब्रीथ करता है, सांस लेता है, इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है सेम वैसा ही होता है। उसमें भी क्या होता है कि जो हम स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में भी क्या होता है कि इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है वो कम होता है, तभी इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एयर एंटर करती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में। और जबकि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या होता है कि क्या करेंगे, इन्फ्लेट दी लंग्स। लंग्स कैसे इन्फ्लेट होंगे, पॉजिटिव प्रेशर के द्वारा लंग्स इन्फ्लेट होंगे, जिसकी वजह से ये क्या, फोर्सिंग द एल्वोलाई टू एक्सपैंड। तो जो एल्वोलाई है वो क्या होंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, तो एयर क्या करेगी, एंटर हो जाती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में जो नेगेटिव प्रेशर एग्जर्ट होता है एक्सटर्नल चेस्ट पे, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स में पॉजिटिव प्रेशर क्या करेगा, लंग्स को इन्फ्लेट कर देता है, जिसकी वजह से एल्वोलाई एक्सपैंड करती है और एयर एंटर हो जाती है। तो ये हमारे नेगेटिव प्रेशर है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते हैं। तो फर्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो ये हो गया। दूसरा जो मेन जो डिफरेंस अगर हम बात करें, तो ये जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स हैं, ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर है उन कंडीशन में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं
डिसऑर्डर्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। और इधर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स हम मेनली जो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर वहाँ पे हम कौन सा पॉजिटिव प्रेशर यूज़ करते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है या फिर प्रोफ्लैक्टिक वेंटिलेटरी सपोर्ट, जैसे हमने पहले इंडिकेशन में डिस्कस किया था प्रोफ्लैक्टिक वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी हम क्या है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। थर्ड डिफरेंस इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो वेंटिलेटर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स अगर कोई पेशेंट है या फिर जो अनस्टेबल पेशेंट है उसके लिए अप्रोप्रिएट फॉर अनस्टेबल या फिर जो कॉम्प्लेक्स पेशेंट है उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, क्योंकि अनस्टेबल जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है वेंटिलेटरी चेंजेस होते रहते हैं, उनका CO2 जो ओटी लेवल है, जो भी उनकी नीड है, वो वेंटिलेटरी जो चेंजेस है उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ये उस केस में क्या होते हैं नॉट अप्रोप्रिएट होते हैं। बट जो पॉजिटिव प्रेशर है वहाँ क्या होते हैं अप्रोप्रिएट होते हैं, या अप्रोप्रिएट फॉर कॉम्प्लेक्स या फिर जो अनस्टेबल क्लाइंट होता है उनके लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। तो तीन डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट इसमें हम कैसे बात कर सकते हैं, जो ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स हैं ये इसमें इंट्यूबेशन की ज़रूरत नहीं होती, इंट्यूबेशन नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रेशर है मोस्टली रिक्वायर्ड होता है। फोर डिफरेंस हो गए। फिफ्थ डिफरेंस इसमें क्या हो सकता है, फिफ्थ में जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स हैं ये होम सेटिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं, होम सेटिंग में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स है ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गए। सबसे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है यहाँ से आप बैठ के न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है जहाँ पे वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है, यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है या फिर प्रोफ्लैक्टिक जो वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी हो वहाँ पे, या फिर वेंटिलेशन जो थेरेपी है उसके लिए भी पॉजिटिव प्रेशर हम यूज़ करते हैं। ये अनस्टेबल पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ये अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं होती, इधर इंट्यूबेशन मोस्टली हम यूज़ करते हैं, और होम सेटिंग में ये जो नेगेटिव प्रेशर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, और हॉस्पिटल सेटिंग में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज़ किए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गए नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स में और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स और टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करें नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के अंदर, फर्स्ट है हमारा आयरन लंग। आयरन लंग क्या है, एक तरह का आयरन है, मेटल के सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर पेशेंट को फिट कर दिया जाता है अप टू द नेक, मीन्स नेक के नीचे का जो रीजन है वो वेंटिलेटर्स के अंदर होता है, और उसके बाद वेंटिलेटर्स के थ्रू जब नेगेटिव जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है, नेगेटिव जो प्रेशर है पेशेंट की एक्सटर्नल चेस्ट के ऊपर वहाँ पर डाला जाता है, एग्जर्ट किया जाता है। तो इस तरह के जो सिलेंडर्स हैं या आयरन लंग वेंटिलेटर्स हैं ये पोलियो के जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर्स हैं मोस्टली किन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, अगर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उन पेशेंट्स में ये यूज़ किया जाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन लंग जो वेंटिलेटर्स हैं पोलियो के जो सर्वाइवर्स हैं या फिर जो भी इस तरह की जो डिज़ीज़ है न्यूरोलॉजिकल या फिर मस्कुलर डिज़ीज़ उनसे रिलेटेड इन वेंटिलेटर्स को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सेकंड जो इसका नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का टाइप है बॉडी रैप, और एक होता है थर्ड चेस्ट क्यूरास। तो ये भी बॉडी रैप और चेस्ट क्यूरास भी इसी तरह के वेंटिलेटर आयरन लंग की तरह ही होते हैं, इनमें भी जो पेशेंट को पूरे अच्छे से फिट कर दिया जाता है, इन वेंटिलेटर्स के अंदर ही पूरी बॉडी उनकी वेंटिलेटर्स के अंदर होती है, और फिर
जो नेगेटिव प्रेशर है चेस्ट के ऊपर और एब्डोमिन एरिया के ऊपर वहाँ पे एग्जर्ट किया जाता है। तो ये जो वेंटिलेटर्स है, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इनमें आपने देखा कि जो पेशेंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो एकदम फिक्स कर दिया जाता है। पेशेंट को उसके वो ना उसकी पोजीशन भी नहीं चेंज कर सकता, ना वो मूवमेंट कर सकता है। तो इस करके इसीलिए इसकी लिमिटेशन है, इनको कम यूज़ किया जाता है इन वेंटिलेशन को। तो स्पेसिफिक पेशेंट को सिलेक्ट करके ही, कुछ लिमिटेड पेशेंट के लिए ही नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का जो फर्स्ट टाइप है, इसके हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा है वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर, और दूसरा होता है प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर, और थर्ड है हमारा टाइम साइकिल्ड वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स में प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम जब डिलीवर कर दिया जाता है वेंटिलेटर्स के द्वारा, उस टाइम डिलीवर होते ही जो इंस्पिरेशन है वो एंड करती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम जब एंड करती है, इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है वेंटिलेटर्स के द्वारा, उसके बाद जो इंस्पिरेशन है वो एंड करती है और चेस्ट क्या करेगी, फिर रिकॉइल करती है और फिर जो एयर को एक्सपेल आउट कर देगी। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है अगर वेंटिलेटर कैसा हो, वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर है। मीन्स उसमें जो टाइडल वॉल्यूम को पहले से प्रीसेट कर दिया जाता है, जब जो टाइडल वॉल्यूम जो प्रीसेट जितना किया गया है वो इन्फ्यूज़ होने के बाद, डिलीवर होने के बाद इंस्पिरेशन क्या है एंड करती है, इंस्पिरेशन प्रोसेस जो वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर चेस्ट क्या करेगी, रिकॉइल करेगी और जो भी एयर है वो उसको एक्सपेल आउट कर देगी। मीन्स एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हमारा कैसे होता है वॉल्यूम साइकिल्ड वेंटिलेटर्स में। दूसरा हमारा प्रेशर साइकिल्ड वेंटिलेटर, इसमें भी सेम है। यहाँ पे हमारा प्रीसेट जो है प्रेशर होता है, प्रीसेट जितना भी प्रेशर हमने सेट किया है, उसके बाद प्रीसेट प्रेशर अचीव होने के बाद ही, जैसे ही वेंटिलेटर ने जो उस प्रेशर को जो भी हमने फिक्स किया है उसको डिलीवर करने के बाद क्या है, जो वेंटिलेटर है इंस्पिरेशन है वो एंड करेगी और उसके बाद जो प्रोसेस है एक्सपिरेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। फिर ऐसे ही टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स में। तो यहाँ पे आपने बेसिक जो चीज़ है देखी होगी, अगर वॉल्यूम साइकिल है तो टाइडल वॉल्यूम प्रीसेट किया जाता है, प्रेशर साइकिल है तो प्रेशर है जो एयर का वो प्रीसेट किया जाता है, पहले से फिक्स किया जाता है, सेट किया जाता है, और जैसे ही वो प्रेशर अचीव हो जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है, तो इंस्पिरेशन है वो एंड करती है और उसके बाद एक्सपिरेशन होता है। ऐसे टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स में जब इंस्पिरेटरी टाइम जब अचीव हो जाता है, उसके बाद जो इंस्पिरेशन है वो स्टॉप करेगा और उसके बाद एक्सपिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंस्पिरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन में प्रीसेट टाइडल वॉल्यूम जब ये डिलीवर हो जाएगा तो इंस्पिरेशन स्टॉप होता है, एंड करता है। यहाँ पे प्रीसेट प्रेशर जब एंड डिलीवर्ड हो जाता है, मीन्स अचीव हो जाता है, उसके बाद इंस्पिरेशन एंड करती है, और यहाँ पे जब प्रीसेट जो इंस्पिरेटरी जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, इलैप्स हो जाता है, उसके बाद ही जो इंस्पिरेशन है वो एंड करती है और फिर एक्सपिरेशन होता है। तो ये सारे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के ये टाइप्स हैं। तो इसमें जो टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स हैं ये मोस्टली जो पीडियाट्रिक आईसीयूज़ होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, वहाँ पे यूज़ होते हैं। एडल्ट के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स में ये यूज़ नहीं किया जाता। तो एडल्ट्स जो सेटिंग में टाइम साइकिल वेंटिलेटर्स को नहीं यूज़ किया जाता, पीडियाट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे मेन टाइप्स थे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर के और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप्स क्लिक कर लिए। एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है इसके वेंटिलेटर्स के, उस वो है इसके मीन्स पॉजिटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर्स के हम टाइप पढ़ेंगे उसमें एक होता है इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, दूसरा है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स। अभी हमने मैकेनिकल वेंटिलेटर के दो टाइप है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। अगर फिर हम पॉजिटिव प्रेशर को और डिवाइड करें, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के दो और टाइप होते हैं, वो है एक होता है इन्वेसिव वेंटिलेटर्स
और दूसरे है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स। उसमें जो छोटा सा डिफरेंस है वो कर लेते हैं, डिटेल में जब आप इसके मोड्स पढ़ोगे वेंटिलेटर्स के तब आपको समझ में आएगा। तो हमारे टाइप्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स, या फिर मोस्टली जगह आपको इस तरह से लिखेगा टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स में भी इसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस जो हमारे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर है वो हम रिसेंटली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसकी हेडिंग आपको ऐसे भी मिल सकती है टाइप ऑफ वेंटिलेटर्स, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स। तो दो होते हैं, एक होता है हमारा इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और दूसरा है हमारा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स। अब इन्वेसिव जो वेंटिलेटर्स हैं उसमें अगर नाम से पता चला इन्वेसिव मीन्स कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर किया हुआ होगा, तो यहाँ पे जब वेंटिलेटर के साथ जो ट्रैकिया के अंदर जो एयरवे है उसमें होल किया जाता है और ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, तो इन्वेसिव वेंटिलेटर क्या है मीन्स जो एयरवे में यहाँ पे होल करके ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है तब, तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्वेसिव वेंटिलेटर। जैसे हम एंडोट्रैकियल जो ट्यूब है इंट्यूबेशन करते हैं, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, वेंटिलेटर के साथ जब इंट्राट्रैकियल इंट्यूबेशन किया जाता है, दूसरा हम जब ट्रैकियोस्टोमी करते हैं ट्रैकियोस्टोमी, तो ये जो दो इन्वेसिव प्रोसीजर हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इन्वेसिव वेंटिलेटर्स। और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स में सिर्फ क्या है फेस मास्क होता है, वेंटिलेटर के साथ क्या है जो है मास्क होता है, इसलिए इसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बोलते हैं। एग्जांपल हम बाद में करेंगे, जैसे सीपैप हमारा किसका एग्जांपल है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स का, ठीक है। तो जो जैसे जैसे हम मोड्स पढ़ेंगे मोड्स ऑफ वेंटिलेटर तब आपको उसी के बीच में हम बताएंगे कि इन्वेसिव वेंटिलेटर कौन सा इनमें और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर कौन सा है, मीन्स कहाँ पे हम ट्रैकिस्टोमी हम डालते हैं और कहाँ पे हम मास्क का यूज़ करते हैं। तो ये मेन टाइप्स हो गए हमारे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, एक तो इन्वेसिव जहाँ पे जो हमारी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए ट्रैकिया में या फिर एयरवे में होल किया जाता है, जैसे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं और ट्रैकिस्टोमी। दूसरा हम किसी तरह का इन्वेसिव प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ हम जो है फेस मास्क के द्वारा जो है वेंटिलेटर को फेस मास्क का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स में। क्लियर है? तो यही हमारे यहीं का आज का टॉपिक जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोड्स ऑफ वेंटिलेटर पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बाद में बता सकते हैं।